नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल विकास ई मित्र ई मित्र हेल्प एंड टेक्निकल सपोर्ट चैनल में। दोस्तों मैं आज आपके लिए जो है एक बहुत ही उपयोगी कोर्स के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स के बारे में जो है बहुत ही कम लोगों को पता है और बहुत ही कम लोग हैं जो ये कोर्स कर रखा है जिन्होंने, तो मैं आपको जो है आज इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों क्या है ये कोर्स और कौन कौन भर सकता है इस कोर्स में और कैसे कर सकते हैं, किस कॉलेज से कर सकते हैं, क्या इसकी फीस है, इस बारे में मैं जो है आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। तो आप मेरे वीडियो पे लास्ट एंड तक बने रहिए और इस कोर्स को अगर आप करना चाहते हो तो पूरी डिटेल के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों आप एक बात में है ना जो कंजूसी बहुत करते हो, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक कोई नहीं करता, तो भाई क्या अच्छा नहीं बनाता तो कम से कम डिसलाइक ही कर दिया करो और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, कुछ प्रतिक्रिया दिया करो कि अच्छा है या खराब है, तो लाइक या डिसलाइक कर दिया करो। और साथ में अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो भैया, कई बार क्या है इंपॉर्टेंट जानकारी होती है अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो वो आपसे मिस हो जाती है, तो आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे का निशान को दबा लो। अब चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो अपना जो वीडियो का टॉपिक है वो है एनटीटी कोर्स का। तो एनटीटी कोर्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एनटीटी का मतलब होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ये वाला कोर्स होता है जो कि 3 साल से 5 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल करवाया जाता है। ये राजस्थान में बहुत सारे कॉलेजों में के द्वारा भी करवाया जाता है। इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि राजस्थान में कौन कौन से कॉलेज है ये कोर्स करवाती है। तो दोस्तों ये कोर्स होता है जो कि कई जगह 1 साल का होता है और कई जगह 2 साल का होता है, एक डिप्लोमा होता है डिप्लोमा टाइप में। तो कई जगह जो है 1 साल का होता है और कई जगह पर 2 साल का, जहां पर 1 साल का होता है वो सेमेस्टर टाइप में होता है, जहां पर 2 साल का होता है वो ईयरली टाइप में होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो इसके अंदर क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज होती है, कुछ कॉलेज होती है जो एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, बाकी ज़्यादातर जो है 12वीं की परसेंटेज के आधार पे इसको करवाती है। जी हाँ दोस्तों, 12वीं में जितनी मेरिट होती है परसेंटेज की, उसी के आधार पे आपका इसमें सिलेक्शन करवाया जाता है। दोस्तों इसके अंदर बात करो योग्यता की, तो योग्यता जो है 12वीं पास ही है, लेकिन 12वीं पास में जो है इसके अंदर 50% मांगी जाती है, बाकी अगर आप SC ST या OBC से हैं तो आपकी 45% है 12वीं में, तब भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई योग्यता की बात। आगे दोस्तों अगर इसमें बात करें फीस की कि इस कोर्स के लिए जो है फीस क्या है, तो फीस की अगर बात करें हम तो इसके लिए जो फीस है वो अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग फीस होती है, जो कि 5,000 से लेकर 25,000 के बीच में होती है। जी हाँ दोस्तों, कई कॉलेज वाले जो है 5,000 लेते हैं, कुछ 10,000 लेते हैं, कुछ 15,000 लेते हैं, कुछ 17,000 18,000, और कई कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो बड़ा चढ़ाकर 25,000 तक इस कोर्स की फीस ले लेते हैं। तो ये हो गई बात कोर्स की। इसके बाद में दोस्तों अगर इस कोर्स के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो है इसके अंदर वो जो मेन टॉपिक है वो BSTC के आते हैं ज़्यादातर, जो BSTC के अंदर प्री DLED के अंदर शिक्षा होती है उसी के ज़्यादातर टॉपिक आते हैं। बाल्यावस्था के बारे में पढ़ाया जाता है, चाइल्ड पेडोलॉजी इसके अंदर आती है मेन। तो इसके अंदर जो है आपको प्रैक्टिकल भी होता है, वाइवा भी होता है, इस प्रकार से जो है 7-8 या 10 कई जगह पर पेपर होते हैं, इतने से ही पेपर होते हैं और ज़्यादा पेपर इसके अंदर नहीं होते। तो ये इसका सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बात करें दोस्तों अगर इस कोर्स के बाद में जो है आपको क्या फ़ायदा मिलता है, इस कोर्स के बाद में आप कहाँ कहाँ पर नौकरी लग सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो कोर्स होता है ये राजस्थान सरकार में जो है गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है नर्सरी टीचर के नाम से, तो उसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में इसकी वैकेंसियाँ निकलती रहती है। इसके अलावा जो है कई सारी जो प्ले ग्रुप वाली स्कूलें होती है बड़ी बड़ी, वहाँ भी आप नौकरी करके आराम से जो है 10 से 15 हज़ार रुपये सैलरी आपको इसके अंदर मिल जाती है, बाकी गवर्नमेंट की भी इसके अंदर वैकेंसी आती रहती है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा मैं बताऊं दोस्तों, जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर जो है नर्सरी टीचर जो है मैंडेटरी पोस्ट बना दी गई है, तो उसके बाद में जो है इसकी भर्तियां आने की अपार संभावना बन गई है। तो अगर आप ये कोर्स करने की सोच रहे हैं, अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। एक बार बता दो दोस्तों, इस समय जो है ये जो समय चल रहा है इसमें इनकी एडमिशन की प्रोसेस चालू है, तो एडमिशन प्रोसेस चालू है, अभी आप भर सकते हैं। अब आपको सोच रहे होंगे कि भाई कॉलेज कौन सा है, कौन सा कॉलेज में हमको करना है, तो दोस्तों मैं बता दूं राजस्थान के जितने भी कॉलेज ये कोर्स करवाते हैं उनकी लिस्ट के जो है मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना और वहां पे देख लेना कि कौन कौन से जो है कॉलेज है राजस्थान के अंदर, जो भी आपके पास में कॉलेज पड़ता है वहां पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपको जानकारी। इसके अलावा भी अगर इस कोर्स के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं, मैं आपका जो है उसका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, लेकिन कर जरूर देना, कोई प्रतिक्रिया जरूर देना। साथ ही दोस्तों अगर आपने चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। थैंक यू दोस्तों।